अभी बीमार हैं, तो लगभग जितने ठीक हुए उतने बीमार हैं, लगभग 6,500 ठीक हो गए, 6,500 अभी बीमार हैं मोटा मोटा। 261 लोगों की मौत हो गई। आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आज दिल्ली में अपने अस्पतालों का क्या स्टेटस है, जो कोरोना के अस्पताल हैं, कोरोना के जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें 3,829 बेड हैं टोटल। सरकारी अस्पतालों में 3,829 बेड हैं, जिनमें 3,164 बेड्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है। मैं बार बार ऑक्सीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। जिस पेशेंट को कोरोना हो जाता है उसको एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और दूसरा उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, तो उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऑक्सीजन सबसे क्रिटिकल है उस ऐसे पेशेंट के लिए, कोरोना के पेशेंट के लिए, जो सीवियर पेशेंट होते हैं कोरोना के, जो मामूली सिम्टम्स होते हैं उनको नहीं, जो सीवियर पेशेंट होते हैं कोरोना के उनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। 3,829 बेड सरकारी सिस्टम में हैं, उनमें से 3,164 बेड्स पे ऑक्सीजन है। 3,829 में से केवल 1,478 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो 4,000 बेड हैं जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, 2,500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 2,500 बेड अभी खाली हैं। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज़ हो रहे हैं, लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। प्राइवेट में 677 टोटल बेड हैं, उनमें से 509 भर चुके हैं। कई लोग प्राइवेट में अपना इलाज कराना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। 677 में से 509 भर चुके हैं, तो केवल 150-200 बेड्स बचे हैं प्राइवेट में। इसीलिए कल सरकार ने कल ऑर्डर जारी करके दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2,000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। अभी तक 677 बेड थे, अब 2,000 एक्स्ट्रा बेड प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है, ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2,500 बेड खाली हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो आज से 2,000 और बेड प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर 72 वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, जिसमें से केवल 15 वेंटिलेटर यूज़ हो रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आज की डेट में प्राइवेट और सरकार मिला के 4,500 बेड्स हैं, जिसमें से लगभग 2,000 बेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 2,500 बेड्स अभी भी खाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोस्टली केस जो कोरोना के अभी आ रहे हैं वो माइल्ड हैं, थोड़ा सा बुखार है, थोड़ी सी खांसी है, या कईयों को तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता उनको कि कोरोना है। वो तो टेस्ट करा तो पता चला कि कोरोना है, कोई सिम्टम नहीं है। अधिकतर केस ऐसे आ रहे हैं जिनको फिर अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम घर पे ही रखते हैं। और मेरी एक टीम है जो डेली उन लोगों से घर पे बातचीत करती रहती है, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करती रहती है, उनको सलाह देती रहती है, ये नज़र रखते रहते हैं हम लोग कि कहीं अगर वो बढ़ गया उनका कोरोना तो उनको फिर अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे। जैसे आज दिल्ली के अंदर 3,314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा, लगभग 2,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा और 3,314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा। जैसे मैंने बताया कि हमने प्राइवेट में कल ऑर्डर कर दिए 117 अस्पतालों के अंदर, अब 20% कैपेसिटी उनकी, 20% बेड कोरोना के लिए होंगे। इसी तरह से अगले 3-4 दिन के अंदर हम जीटीबी हॉस्पिटल को तैयार कर रहे हैं, जीटीबी हॉस्पिटल के 1,500 बेड्स
सबको ऑक्सीजन बेड्स बना रहे हैं और जीटीबी हॉस्पिटल के 1500 और बेड्स हमारे कोरोना के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैंने बताया आपको कि लगभग 4000 बेड आज सरकार में ऑलरेडी कोरोना के हैं, 1500 और हो जाएंगे तो 5500 बेड सरकार में पूरी तरह से कोरोना के लिए डेडिकेट हो जाएंगे। और कल ही हम लोगों ने ऑर्डर दिया है और लगभग 2000 और बेड्स को ऑक्सीजन बेड्स कन्वर्ट करने के लिए। तो एक तरह से हमारी पूरी तैयारी है कि अगर कोरोना के गंभीर पेशेंट्स में अचानक उछाल आता है तो हम तैयार हैं। आज से एक हफ्ता पहले जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? 17 तारीख को लॉकडाउन में ढील दी गई थी, उस दिन टोटल पेशेंट दिल्ली में पॉजिटिव 9755 थे, आज 13418 हैं। एक हफ्ते के अंदर लगभग 3500 पेशेंट्स बढ़ गए। इसी के साथ साथ एक हफ्ते के अंदर 2500 लोग ठीक होकर घर चले गए, 3500 बढ़ गए और 2500 ठीक हो गए। तो जैसे मैंने बताया कि लोग ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 3500 पेशेंट्स पिछले एक हफ्ते में नए पेशेंट्स आए, लेकिन अस्पतालों के अंदर 1700 बेड भरे हुए थे, 1700 पेशेंट 17 तारीख को अस्पतालों में थे, आज 2000 है, 250 बेड केवल भरे हैं। तो केवल 250 नए पेशेंट अस्पतालों के अंदर आए, अस्पतालों में भी ठीक हो रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, केवल 250 नए बेड अस्पतालों के अंदर भरे हैं। अभी दो दिन पहले मुझे पता चला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने, एक मरीज गया प्राइवेट हॉस्पिटल में और उस मरीज को सांस की तकलीफ हो रही थी, दो दिन बाद उसका अस्पताल ने टेस्ट कराया, उसके एक दो दिन बाद रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के बाद अस्पताल ने कहा कि आप तो कोविड पेशेंट हैं, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, अब आप अपना बेड ढूंढ लीजिए। पेशेंट अपना बेड कैसे ढूंढेगा, पेशेंट कहाँ जाएगा? कोई भी अस्पताल इस तरह से किसी भी पेशेंट को बाहर नहीं निकाल सकता। हमने उस अस्पताल को शो कॉज नोटिस जारी किया है, प्राइवेट अस्पताल को, कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों ना किया जाए। अगर किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी पेशेंट आता और वो कोविड निकल आता है, उस अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो उसको अपनी एम्बुलेंस में बिठा के किसी या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसको कोविड बेड दिलवाएगा। आप किसी भी पेशेंट को इस तरह से अपने हाल के ऊपर नहीं छोड़ सकते। एक जो मेरे सामने पता चला कि जो लोगों को तकलीफ कई बार आती है, जैसे मैंने अभी बताया हमारे पास सरकार में अभी 2500 बेड खाली पड़े हैं और अब 2000 प्राइवेट सेक्टर में भी बेड खाली मिले होंगे, 4500 बेड खाली हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता किस अस्पताल में बेड खाली हैं, लोगों को पता नहीं चलता कहाँ जाएं। तो इसके लिए अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं, दो तीन दिन के अंदर सिस्टम आपके सामने लाएंगे, जिसमें अगर कोई भी कोविड का सीरियस पेशेंट है और उसको बेड चाहिए, उसको एडमिशन चाहिए, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है। इसका पूरा सिस्टम बना रहे हैं और दो तीन दिन के अंदर ये पूरा सिस्टम बना के मैं आपके सामने आऊँगा। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर स्थिति नियंत्रण में है, केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने केसेस बढ़ रहे हैं मोस्टली माइल्ड सिम्टम वाले हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, उनका घर में इलाज चल रहा है, उनकी भी हम देखभाल कर रहे हैं और जो जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनका भी हम पूरा ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।